तो जैसा कि हम लोगों ने जो है ट्रायंगल की पूरी थ्योरी पढ़ लिए हैं ठीक है और ट्रायंगल की थ्योरी पढ़ने के बाद हम ट्रायंगल के कुछ एग्जांपल्स लगाएंगे ठीक है ट्रायंगल के क्या लगाएंगे मेरे भाई कुछ एग्जांपल्स लगाएंगे तो क्या आप सभी लाइव हैं? और ये वीडियो क्लियर है बता दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं गुड आफ्टरनून भाई हेलो 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 सभी को हेलो आ जाओ एग्जाम्पल नंबर वन शुरू करें एग्जाम्पल नंबर वन शुरू किया जाए बता दीजिए चलिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल नंबर वन को देखते हैं ठीक है जैसे हमसे क्या बोला गया हमसे बोला गया देखो भाई तुम्हारा ये त्रिभुज है ठीक है और ये त्रिभुज में क्या है ठीक है एक एक बात को समझेंगे हमसे कहा गया है ये हमारा ट्राइंगल है पी क्यू और आर ठीक है और कहा गया है जो साइड क्यू आर है ना उसको थोड़ा सा लंबा खींचा गया है एक मिनट रुक जाओ ये जो साइड क्यू आर है P है Q है और R है और जितना लंबा QR है उतना ही R से लेकर S तक एक पॉइंट खींचा गया है बोला गया है, QR से लेकर Q से लेकर R तक R से लेकर S तक एक पॉइंट है ये QR वाली लाइन को थोड़ा आगे तक बढ़ाइए S तक बढ़ाइए इस तरीके से कि जो हमारा QR है वो बराबर हो जाएगा हमारे आर के फिर उसके बाद कहा गया है पी को ज्वाइन कर देना है किसके साथ एस के साथ पी को ज्वाइन कर देना है किसके साथ एस के साथ तो आप पी और एस को भी क्या कर दीजिए यहां पर जोड़ दीजिए पी और एस को आपने यहां पर ज्वाइन कर दिया कोई दिक्कत की बात है फिर हमसे कहा गया आपको पी एस आर का मान बताना है पी एस और आर का जो ये मान है ये थीटा का मान है ये थीटा का मान कितना होगा ठीक है समझ में आ गया ये थीटा का मान कितना होगा हमसे पी एस आर का मान पूछा गया है कोई दिक्कत की बात नहीं है ट्रायंगल के बारे में क्या कहा गया है तो ट्रायंगल के बारे में कहा गया है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इक्विलेटरल का मतलब क्या हो गया ये हमारा 60 डिग्री है ये हमारा 60 डिग्री है दूसरा वाला हमारा कितना है साठ डिग्री है समझ में आ गया बात आपको ये साठ है साठ है साठ है जो हमारा क्यू आर है वही हमारा आर एस के बराबर है बोला गया है पी से आपको किसको ज्वाइन कर देना है पी से लेकर आपको एस को ज्वाइन कर देना है अब मुझे बताओ अगर ये साठ है तो ये बाहर वाला कौन कितना होगा तो बोलोगे सर एक सौ बीस होगा ठीक है बाहर वाला कौन कितना होगा एक सौ बीस होगा अगर हमारा मानो ये क्यू आर जो है वो ए है तो हमारा पी क्यू भी ए होगा हमारा पी आर भी कितना होगा ए होगा समझ में आ गया बात और अगर हमारा ये ए है तो ये भी हमारा कितना होगा ए होगा

30 डिग्री आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर और ये वाली इसके बराबर यानी ये दोनों आपस में बराबर दोनों आपस में बराबर तो दोनों के कोण बराबर अगर ये 120 है तो बाकी के दोनों कितने होंगे 30 और 30 डिग्री होंगे ठीक है सवाल में कोई दम नहीं था आ जाइए एग्जाम्पल नंबर टू को देखिए एग्जाम्पल नंबर टू में कहा गया है एबीसी जो है वो कैसा त्रिभुज है 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 तो एबीसी जो है वो आपका त्रिभुज कैसा त्रिभुज है है त्रिभुज उसके बाद हमसे कहा गया P, और जो है पी क्यू और आर उसके मिड पॉइंट है तो सबसे पहले हम त्रिभुज को बनाते हैं और उसके बाद उनके दिए गए एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं ठीक है यहां पर हमारा हो गया पी ये हमारा हो गया क्यू ये हमारा हो गया आर ठीक है सॉरी ए बी सी बोला गया है ए बी सी मान लेते हैं ये हमारा ए है ये हमारा बी है और ये हमारा सी है पी क्यू आर मिड पॉइंट है ए बी के बी सी के ए सी के यानी पी के इसके मिड पॉइंट बना लीजिए क्यू को बी सी का बना लीजिए आर को हम ए सी का बना लेते हैं और उसके बाद तब तो हमसे कहा गया है कि बताओ यहां पर क्या क्या कहानी होगी ठीक है तो एक पल के लिए जरा पी क्यू आर को आप जोड़ दीजिए पी क्यू आर को क्या जोड़ दीजिए ये पी क्यू आर को आप आपस में जोड़ दीजिए ठीक है अब आपने पी क्यू आर को जोड़ दिया तो पहला वाला पॉइंट कहता है क्या पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा क्या पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ठीक है ये आपसे पहला वाला पॉइंट पूछता है आप मुझे एक बात बताओ एक पल के लिए अगर इस साइड को हम 6 सेंटीमीटर मानते हैं ठीक है तो हमारा ये भी कितना हो जाएगा छ और हमारा ये भी कितना हो जाएगा छ हो जाएगा हो जाएगा क्यों क्योंकि ट्रायंगल है तीनों है, बराबर होंगी अब आपको पता है कि ये मिड पॉइंट है आर भी मिड पॉइंट है तो अगर इस मिड पॉइंट को हम यहां से जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है ये हमारा बीसी के पैरेलल हो जाता है और आधा हो जाता है याद करिए थ्योरम जब हम पढ़ा करते थे तो एक त्रिभुज इस त्रिभुज के इस का पॉइंट और इस लाइन लाइन का और के पॉइंट को जब जो हम जोड़ते हैं तो वो इसके पैरल भी होता है समानांतर भी होता है और इसका आधा होता है यानी अगर ये छे है तो ये कितना होगा तीन उसी तरीके से ये छे है तो ये जो हमारा पी क्यू वाला लाइन है ये कितना होगा तीन उसी तरीके से अगर हमारा ए भी छ है तो ये वाली रेखा कितनी होगी तीन होगी यानी हमें एक बात समझ में आ गई है और हमें क्या समझ में आ गया कि यदि यहां पर, पर

और अगर आप चलेंगे मैंसुरेशन में और मैंसुरेशन में जब आप चलेंगे तो पता है आपसे मैं एक हाई लेवल का क्वेश्चन पूछूंगा वहां पे चल के वहां पर मैं आपसे क्या पूछूंगा वो देखो एक मैं आपको दूंगा इतना बड़ा ट्रायंगल जो सीडीएस में भी पूछा गया है ठीक है और फिर इतना बड़ा ट्रायंगल देने के बाद फिर एक और आपको ट्रायंगल दिया जाएगा देखते चलो आपसे वहां पर क्या पूछेगा यही प्रॉपर्टी पे पूछेगा माय डियर सवाल यही प्रॉपर्टी पे आपका एग्जामिनर सवाल पूछने वाला है ठीक है यही प्रॉपर्टी पे देखते चलो आपका एग्जामिनर क्या पूछेगा ठीक आपका एग्जामिनर क्या पूछेगा मैं अभी ही फोटो बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पे। ठीक ये एग्जाम ये जो सवाल है ये आपके आ, मेंस में भी आया हुआ है प्री में भी आया हुआ है सीडीएस में भी आया हुआ है हर जगह पर यह सवाल जो है आया हुआ है ठीक है आपका एग्जामिनर क्या पूछेगा वो देखो आपका एग्जामिनर बोलेगा कि तुम्हारा एक बहुत बड़ा ट्रायंगल है ए बी और सी ठीक है और उसके जो मिड पॉइंट है वो है तुम्हारे पी क्यू और आर तुम्हें करना क्या है कि ये बड़े वाले ट्रायंगल के मिड पॉइंट को जोड़ना है यानी पी क्यू आर को एक ट्रायंगल बनाना है फिर उनको जोड़ना है और इस तरीके से अंदर अनंत बहुत सारे ट्रायंगल बनते जाएंगे सबके मिड पॉइंट को जोड़ के पहले को जोड़ा तो ये मिला उसको जोड़ा ये मिला फिर उसको जोड़ोगे ये मिलेगा फिर अंदर ऐसे तुम्हें अनंत 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 ट्रायंगल ऐसे बनते जाएंगे उन सभी ट्रायंगल का उन सभी ट्रायंगल के सम ऑफ एरिया आपसे पूछेगा उन सभी ट्रायंगल के एरिया का जोड़ कितना होगा और सम ऑफ पेरीमीटर परिमाप का आपसे पूछेगा कि भैया इनके पेरीमीटर का सम कितना होगा ये आपसे चल के पूछेगा आगे ठीक है ये आपसे पूछेगा ठीक है समझ में आ गया आपको आगे चलकर क्या क्या पूछेगा तो आपसे आगे आगे चलकर सम ऑफ एरिया पूछेगा सम ऑफ पेरीमीटर पूछेगा इस बात का ध्यान रखिए तो वो भी वहां पर जब हम आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा देंगे तो वहां पर जो है आपको ये पॉइंट क्लियर करा देंगे कि वहां पर ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं तो इसी बड़े सवाल का बस एक छोटा सा प्रॉपर्टी आपने यहां पढ़ा है आपने छोटा सा प्रॉपर्टी क्या पढ़ा है कि एक इक्विलिटल ट्रायंगल के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर एक इक्विलिट्रल ट्रायंगल ही बनता है ठीक है समझ में आ गया बात यहाँ पे चलो आज एग्जाम्पल नंबर तीन को देखो एग्जाम्पल नंबर तीन क्या कहा गया है प्रीवियस ईयर का प्रश्न है आपसे पूछा गया है सीजल 6 मार्च 2020 में सवाल क्या है तो बोला गया है कि इफ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया दे रखा है किसका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का और तब आपसे बोला है कि बताओ पेरीमीटर कितना होगा आपसे एरिया देके के पेरीमीटर पूछा गया है क्षेत्रफल देके परिमाप पूछा गया है ठीक है तो जैसा कि बारे में पहले इक्विलेट्रल ट्रायंगल के बारे में पूरा प्रॉपर्टी हम एक साथ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका जो एरिया है वो क्या होता है पेरीमीटर क्या होता है हाइट कितना होता है सब कुछ यहाँ लिख दे रहा हूं मैं ये ए बी सी है ये बहुत काम में आने का है ठीक है आप ऐसे समझ लीजिए एबीसी जो है वो हमारा क्या है इज इक्विलिट्रल ट्रायंगल देन अगर हम अगर हम इसके साइड को क्या बोलते हैं अगर हम इसके साइड को बोलते हैं कि ये ए सेंटीमीटर के बराबर है ठीक है अगर हम यहां पर बोल दे तो सवाल इसका जो पेरीमीटर होगा यानी परिमाप होगा वो कितना होगा इंग्लिश में लिख रहा हूं हिंदी वाले समझ जाएंगे पेरीमीटर जो होगा वो कितना होगा तीने होगा दूसरा सवाल एग्जामिनर का कि इसका जो हाइट होगा वो कितने के बराबर होगा ठीक है तो बोलेंगे सर इसका जो हाइट होगा वो रूट तीन बटे दो ए के बराबर होगा तीसरा सवाल आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है यही हाइट है यही एल्टीट्यूड है यही मीडियम है यही सब कुछ है ठीक है चलो आ जाओ एक मिनट रुकना तो हम यहां ये यह पढ़ रहे थे कि पेरामीटर इनकी तीन हो जाएगी हाइट जो है वो इनकी रूट थ्री बाई टू ए हो जाएगी ठीक है आगे चलोगे आप पढ़ोगे तो इनका एक इनरेडियस भी होता है ठीक है इनरेडियस किसे कहते हैं वो अभी थोड़ा सा आपको हिंट दे दे रहा हूं सेंटर पॉइंट से किसी भी भूजा पर डाला गया लंब इसको हम कहते हैं इनरेडियस यानी इनरेडियस जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी कितनी साइड बटे दो रूट तीन ये हमारा इनरेडियस हो जाएगा पॉइंट नंबर फोर आगे चलोगे पढ़ोगे तो सर्कल में उसको हम कहते हैं सरकम रेडियस सरकम रेडियस कितना होगा तो वो पढ़ेंगे आप साइड बटे रूट तीन हो जाता है कितना हो जाता है साइड बटे रूट तीन अब सरकम रेडियस कौन सा पॉइंट होता है तो यहां से लेकर वर्टेक्स पर डाला गया कोई भी पॉइंट ओ से लेकर बी जो है वो हमारा क्या होता है सरकम रेडियस होता है ओ से लेकर बी तक क्या कहलाता है सरकम रेडियस और वो हो जाता है साइड बटे रूट तीन फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे पढ़ेंगे तो जो एरिया होगा वो कितना होगा ठीक है, एरिया जो होगा वो कितना होगा तो एरिया हमारा रूट थ्री हो जाएगा इस बात को तो एक आपका एक्स रेडियस भी आ जाता है वो भी हमें पढ़ना होता है लेकिन फिलहाल यही ध्यान रखना है पेरीमीटर इतना हाइट इतना एरिया इतना ये दोनों पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ट्रायंगल में डील करेंगे यहां पर हम डील नहीं करने वाले हैं ठीक है तो सवाल में हमसे क्या कहा गया है सवाल में हमसे कहा गया तुम्हारा एरिया इतना है तुम पेरीमीटर बताओ कितना होगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 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 क्या दिक्कत की बात ठीक यहाँ पर आप ऐसे समझ लो कि हमारा जो एरिया दिया गया है रूट तीन बटे चार ए स्क्वायर दिया गया है और इसका जो मान है वो कितना है तो छत्तीस रूट तीन है कितना है छत्तीस रूट तीन है हमसे पेरीमीटर पूछा गया है यानी तीने का मान पूछा गया है कितना होगा ठीक है तो रूट तीन से हमारा रूट तीन खत्म हो जाएगा ए स्क्वायर का मान छत्तीस का चार गुना कितना आता है 144. तो एक सौ चौवालीस तो मान कितना आ जाएगा तो का मान जो है वो बारह आ जाएगा दोनों साइड रूट लगाओ बारह बारह का तीन गुना यानी हमसे छत्तीस सेंटीमीटर जो है वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ठीक है रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर दिया गया है रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर देकर हमसे तीन ए का मान पूछा गया है

बीसी का स्क्वायर और जमा AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा ठीक है AD के तुलना में बताना है कि AD के कितने के बराबर होगा ठीक है यानी आप देखोगे तो ये हमारा क्या होता है ए ये भी हमारा होता है ए ये भी हमारा होता है ए और ये होता है हमारा कितना तो रूट तीन बटे दो ए ठीक है हमारे साइड की वैल्यू ए हमारे हाइट की वैल्यू रूट थ्री बाई टू एक् ए बी का स्क्वायर कितना स्क्वायर ए स्क्वायर बीसी का कितना होगा तो ए स्क्वायर और इसका कितना होगा ए सी का तो ए स्क्वायर यह किसके बराबर होगा तो पहली बात इनका सम करो तो ये आपका आ जाएगा थ्री ए स्क्वायर कितना आ जाएगा थ्री स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ अब मुझे आप ऐसे समझा दो सिर्फ आप ऐसे बता दो कि ये थ्री ए स्क्वायर है इसको हम कितने दे दे आप ऐसे समझो या फिर आप ऐसे समझो कि इनका सम कितने के बराबर आया है थ्री ए स्क्वायर के बराबर और ए जो स्क्वायर है एडी स्क्वायर कितना है तो तीन बटे दो का ए स्क्वायर यानी बोलेंगे सर तीन बटे तीन बटे चार ए स्क्वायर ठीक तीन बटे चार ए स्क्वायर यानी ये तीनों साइड का जो जोड़ है ये तीनों साइड का जो जोड़ है ठीक है ये तीनों साइड का जो जोड़ है लेट एबीसी ठीक है ये जो तीनों साइड का जोड़ है ये हमारा एडी स्क्वायर है ये हमारा एडी स्क्वायर है ठीक है ये तीनों साइड का जो जोड़ है इसको इसके बराबर करना है तो इसको कितने से गुना करना पड़ेगा या आप ऐसे समझ लो इसको इसके बराबर करना है तो इसको चार से गुना करना पड़ेगा यानी हमारा ये फोर एडी स्क्वायर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा क्योंकि चार से गुना करेंगे तो ये चार इस चार को कट जाएगा तो तीन स्क्वायर हमारा तीन स्क्वायर के बराबर अरे भाई इनका सम कितना आ रहा है तो इसका सम तीन स्क्वायर आ रहा है है आप ऑप्शन से भी तो रख के देख सकते हो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब इनका सम कितना है तीन स्क्वायर ठीक है और यहाँ पर फोर और इंटू एडी स्क्वायर कितना है तीन बटे चार ए स्क्वायर चार से चार खत्म तीन स्क्वायर बराबर तीन स्क्वायर ये भी सेटिस्फाई कर गया यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है या ऐसे समझ लो कि इनका सम तीन स्क्वायर के बराबर आया और यहां पर ये जो फोर यहाँ पर ये जो इसका एडी स्क्वायर है वो तीन बटे चार ए स्क्वायर है तीन बटे चार ए स्क्वायर को तीन ए स्क्वायर बनाना है इसके बट्टे के चार को खत्म करना पड़ेगा यानी चार से गुना करना है यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है करेक्ट आंसर है ठीक है अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल साइन रूल पे और फिर पढ़ेंगे कोसाइन रूल पे और फिर यहां पर आपकी ये जो थ्योरी वाली पोर्शन है ये थ्योरी की पोर्शन खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद बचेंगे हमारे एक्सरसाइज और उस एक्सरसाइज को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाएंगे ठीक है तो आ जाइए थोड़ा सा थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं किसके बारे में तो सबसे पहले आपका आता है साइन रूल फिर आता है आपका कोसाइन रूल ठीक है तो देखो पहले जैसे मानो यहां पर हमने कहा है कि कोई भी एक त्रिभुज है आपका एबीसी और एबीसी त्रिभुज में क्या क्या बातें कही जाती हैं साइन रूल होता क्या है कोसाइन रूल होता क्या है कैसे देख के पता चलेगा कि यार साइन रूल लगाना है कैसे देख के पता चलेगा ठीक है कि कोसाइन रूल लगाना है कैसे देखकर कुछ बातों को समझ में हमें आने वाला है ठीक है तो पॉइंट नंबर वन देखो पॉइंट नंबर वन क्या कहा गया है साइन रूल किसे कहते हैं तो रेशियो ऑफ साइड एंड साइन ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए ट्रैंगल इज इक्वल टू डबल ऑफ सरकम रेडियस ये आगे चलकर आपको पढ़ाएंगे सरकम रेडियस क्या है क्या नहीं है साइन रूल कहां लगाते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए अपने कॉपी में नोट बनाकर लिख लीजिए ठीक है आप अपने कॉपी में नोट बनाकर लिख लीजिए कि जहां पर भी साइड का अनुपात निकालना होता है जहां पर भी साइड का अनुपात निकालना होता है वहां पर हम साइन रूल का इस्तेमाल करते हैं ठीक है जैसे मानो हमारा कोई भी त्रिभुज है त्रिभुज के हमारे तीन अलग अलग साइड दे दिए गए हैं या दो साइड दे दिया गया है और एंगल दे दिया गया है तो वहां पर साइन का इस्तेमाल करेंगे आप ऐसे समझिए जैसे मानिए मैंने आपको क्या कहा मैंने आपको कह दिया ये एक ट्राइंगल है ठीक है और ये तीनों एंगल का मान दे दिया गया है इसका मान पांच है इसका मान छह है तीसरे का निकालना है तो वहां पर हम ये बोलते हैं इस कोण के सामने जितना है इस कोण के सामने जितना है उतना ही इस कोण के सामने होना चाहिए या उसी रेशियो में यहां पर होना चाहिए उसी को परिभाषित करता है कौन साइन रूल परिभाषित करता है ठीक है और उसके अलावा यहां पर यही बातें कही गई है कि ए ए बटे साइन ऑफ एंगल ए ए बटे साइन ऑफ एंगल ए मतलब ए के सामने साइन ऑफ एंगल ए बराबर होगा बी के सामने ऑफ एंगल बी के बराबर होगा सी के सामने ऑफ एंगल के ये तीनों आपस में क्या होते हैं ये तीनों आपस में बराबर होते हैं ये एक प्रोपोर्शन में होते हैं ऐसा नहीं है कि किसी भी एंगल के सामने कोई भी मान रख देंगे इसीलिए आपने गौर किया होगा अगर इस प्रॉपर्टी को आपको प्रूव करना है आप सबसे बढ़िया यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल मानोगे तो बोलोगे ये भी साठ है ये भी साठ है और ये भी हमारा साठ है ठीक है ये भी हमारा ए है ये भी हमारा ए है और ये भी हमारा ए है तो बोलोगे ए बटे साइन ए ए बटे और साइन ऑफ सिक्सटी साइन सिक्सटी कितना होता है रूट तीन बटे दो यानी टू ए बटे रूट थ्री बराबर होगा टू ए बटे रूट थ्री के ठीक है बराबर होगा टू ए बटे रूट थ्री के और याद करो सरकम रेडियस का फॉर्मूला ए बटे रूट तीन होता है और ये सरकम रेडियस का क्या होगा दो गुना होगा पीछे देख लो सरकम रेडियस का फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था यहाँ पे सरकम रेडियस कितना होता है ए बटे रूट तीन ठीक है सरकम रेडियस कितना होता है ए बटे रूट तीन और ए बटे रूट तीन का दो गुना यानी दोगुना है किसके सरकम रेडियस के तो हम यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि साइन रूल का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जहां पर हमें साइड का रेशियो पता करना होता है ए बटे साइन ए डिवाइड बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी और ये जो तीनों रेशियोज हैं ये बराबर होते हैं सरकम रेडियस के दोगुने के इस प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल यहां पर नहीं सरकम रेडियस में देखने को मिलेगा इस बात का ध्यान रखिए ठीक है चलिए उसके अलावा बात करते हैं यहां पर तो पॉइंट नंबर बी कोसाइन रूल कोसाइन रूल का इस्तेमाल कहां पर होता है यह प्रॉपर्टी क्या कहती है तो देखो पता है आपका एग्जामिनर आपके साथ थोड़ा सा गेम करता है गेम क्या करता है जैसे मैंने बताया था वो क्या करेगा कि आपको एक ऐसा ट्राइंगल दे देगा ठीक है इस ट्राइंगल में वो आपको इसका मान साठ डिग्री दे देगा ठीक है, बोलेगा कि ये साइड पांच सेंटीमीटर है ये साइड छ सेंटीमीटर है ठीक है और बताओ कि ये जो तीसरी वाली भूजा होगी ये कितने के बराबर होगी ये जो तीसरी वाली भूजा होगी ये कितने के बराबर होगी आपसे ये पूछ लेगा कि ये पांच है ये छह है तीसरे के बराबर तो जब भी आपका दो साइड और एक एंगल दिया गया हो और तीसरा साइड निकालना हो तो वहां पर लगाते हैं कुछ कॉपी में तुरंत लिखिए जब भी हमारा इंग्लिश में भी वेन एवर टू साइड एन एंगल इज गिवेन एंड वी हैव टू द थर्ड साइड देन वी यूज कोसाइन रूल जब भी हमारे दो भुजाएं दिए गए हो और एक कोण दिया गया हो और हमें तीसरा वाला भुजा निकालना हो तो वहां पर हम कोसाइन रूल का इस्तेमाल करते हैं आप खुद बताओ यहां पर यह किस रूल का इस्तेमाल करोगे कि आप यहां पर बता दोगे कि तीसरी वाली भुजा कितनी है तो इसी के बारे में बताने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है कोसाइन रूल का इस्तेमाल किया जाता है मेरी बात समझ में आ गई आपको यानी अगर हम यहां पर ये त्रिभुज बनाते हैं जिसका मान ए है बी है और सी है ए के सामने वाले को ए बी के सामने वाले को बी सी के सामने वाले को सी तो बड़े अच्छे तरीके से हमें यह बात समझना पड़ेगा कि अगर हमें यहां पर कौसे का मान निकालना है

देना है ठीक और भाग करना है किससे तो भाग करना है दो इंटू, ये दो दोनों भुजाएं जुड़ी हुई थी उसके साथ टू के साथ 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 के के ठीक है किसके इसका प्रूफ तो मैं आपको बता दू लेकिन इसके प्रूफ की कोई जरूरत ही नहीं है कि साइन रूल को प्रूफ करो को रूल को प्रूफ करो फिर हमारा सेशन और लंबा होते जाएगा और जिन सवालों तक हमें पहुंचना है हम उन सवालों तक नहीं पहुंच पाएंगे ठीक है इस बात को समझिए जैसे मानिए मुझे कॉस का एंगल ए निकालना है आप ऐसे याद कर लो कि इसका कॉस का निकालना है तो इसके साथ जो दोनों भुजाएं जोड़ी है उनका स्क्वायर क्या करेंगे जोड़ेंगे और सामने वाली भुजा का स्क्वायर घटा देंगे फिर भाग करेंगे दोगुना बी इंटू सी के साथ अब मानो यहां पर मुझे कॉस बी निकालना है कॉस बी कितना होगा ये वाला पॉइंट भी तो बी के साथ ये दोनों लाइने जुड़ी है बी के साथ ये दोनों लाइने जुड़ी है यानी यहां पर बोलेंगे ए का स्क्वायर जमा सी का स्क्वायर इसके सामने ने कौन है, B है तो B के स्क्वायर स्क्वायर को को घटा देंगे। जिनके को जोड़ा गया है उनका गुना गुना होगा हो इस वाले एंगल के लिए तो इसके साथ ए जुड़ा, जुड़ा है तो ए का, और B का माइनस करेंगे सी का स्क्वायर डिवाइड करेंगे टू ऑफ ए समझ में आ गया तो इसी को क्या कहते हैं इसको कहते हैं ठीक है इसको कहते हैं कोसाइन रूल समझ में आ गया चलो आ जाओ अब सवाल थोड़ा सा लगाए एग्जाम्पल नंबर वन आपके सामने है एग्जाम्पल क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर वन देखिए क्या कहता है बोला गया है आपको एक त्रिभुज बनाने को आप बनाइए यहां पर एक त्रिभुज त्रिभुज का नाम क्या बोला गया है बोला गया है ये आपका ए है ये बी है और ये सी है एंगल ए का मान कितना कहा गया है एंगल ए का मान हमसे 60 कहा गया है एंगल बी का मान कितना कहा गया माय डियर 75 कहा गया है ठीक है अब ये 60 है और ये 75 है तो ये जाहिर सी बात है तीसरा वाला कितना होगा 45 होगा बोलो हाँ ठीक है ये हमारा 60 से 15 ज्यादा तो 60 से 15 कम होगा हमसे कहा गया है ए बी का मान 8 है हमसे ये ए बी का मान 8 सेंटीमीटर कहा गया है और बोला गया है बताओ ये बीसी का मान कितना होगा आपसे बीसी का मान ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बीसी का मान पूछा गया है ठीक है साइन रूल ही बताऊंगा चिंता मत करो फवाद ठीक है हाँ यहां पर ये समझो बीसी का मान आपसे पूछा गया बीसी का मान और आपका एग्जामिनर बीसी के साथ साथ कल के दिन आपको एसी का भी मान पूछते अब आप बताओ एसी का मान तो आपको हमने क्या समझाया आपको हमने कहा कि जब भी किसी त्रिभुज के तीन कोण दिए गए हो या दो कोण भी दिए गए हो और वहां पर आपका एग्जामिनर कोई एक साइड देकर दूसरा पूछ ले तो आप वहां पर लगाते हैं साइन रूल मेरी बात को समझेंगे क्या लगाएंगे साइन देखो दो एंगल एक साइड दो एंगल एक साइड तो लगाएंगे साइन रूल दो साइड एक एंगल लगाएंगे को साइन रूल दोबारा से समझ लो दोबारा से समझ लो एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक यहां पर देखो ये वाला कौन दिया गया है ठीक है और ये वाला कोन इस कोन के सामने को बोला गया है दस सेंटीमीटर मान लो ये साठ डिग्री है बोला गया है साठ के सामने दस है और बोला गया है तीस के सामने कितना होगा बता दो तो आपका दो एंगल दिया गया है एक साइड दिया गया है मतलब यहां लगेगा साइन रूल यहां लगेगा साइन रूल उसके बाद एक दूसरा ट्रैंगल बना दिया जाए और उस ट्रायंगल में आपको ये यहां पर एक साइड एक, एक एंगल बना दिया जाए और इस एंगल के साथ जुड़ी हुई कोई भी दो भुजा दे दी जाए जैसे मान लो ये पांच ये मान लो तीस डिग्री है ये पांच सेंटीमीटर है ये दस सेंटीमीटर है पूछेगा ये कितना है तो बता दो या ऐसा अगर मान लो ये पांच हो जाएगा ये दस हो जाएगा ये कितना है बता दो तो दो एंगल देकर एक साइड देगा तो साइन और एक एंगल देकर दो साइड देगा तो क्या लगाएंगे को लगाएंगे ये फर्क हमें समझना पड़ेगा अब इस दिए गए सवाल में अब इस दिए गए सवाल में दिए गए सवाल में आपके 45 के सामने 8 है और आपसे 60 के सामने पूछा गया है कि 60 के सामने बता दो कितना होगा तो आप क्या बोलोगे आपने अभी साइन रूल पढ़ा था साइन रूल में क्या पढ़ा था साइन रूल में आपने पढ़ा था 8 सेंटीमीटर 8 डिवाइडेड बाई साइन 45 फाइव सी बटे साइन सी सी बटे साइन सी सी बटे साइन सी इस बात को तो सी बटे में साइन सी साइन सी का मतलब साइन पैंतालीस बराबर होगा ठीक है, बराबर होगा किसके a बटे साइन ए के देखो बराबर होगा a बटे साइन ए सी बटे साइन सी बराबर a बटे साइन ए के ए क्या है यहां पर तो बीसी है साइन साइन कितना तो यहां पर 60 डिग्री के ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर c बटे साइन सी बराबर a बटे साइन ए के ठीक अब यहां पर देखो आठ साइन पैंतालीस का मान होता है कितना तो साइन पैंतालीस का जो मान होता है वो हमारा हो जाता है एक बटे रूट दो के कितना हो जाता है एक बटे रूट दो के बीसी का मान हमें निकालना है और सिक्सटी का मान कितना होता है तो रूट तीन बटे दो हो जाता है कितना होता है रूट तीन बटे दो हो जाता है ठीक ये रूट दो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा आठ रूट दो हो जाएगा और यहां पर बीसी यहां पर चला जाएगा तो बोलोगे सर दो बीसी और बटे में कितना हो जाएगा तो रूट तीन दो से काटो इसको तो कितनी बार में कटेगा चार बार में तो बोलोगे सर चार इंटू रूट तीन इंटू दो हो जाएगा? रूट छे, ये हमारा बीसी का मान आ जाएगा बीसी का मान पूछा गया था फोर रूट सिक्स ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है ठीक है कितना हो जाएगा तो फोर रूट सिक्स जो है वो करेक्ट आंसर इसी तरीके से अगर एसी का मान निकालना होता तो साइन पचहत्तर का आपको मान पता होना चाहिए कि साइन पचहत्तर का मान कितना होता है और तब आप एसी का भी मान निकाल पाते क्लियर है बताओ जल्दी से इसके सामने दिया गया था साठ के सामने पूछा था बता दिया कि भैया आठ बटे साइन पैंतालीस बराबर होता है बटे ठीक? हो गया। आ जाओ टू पे एग्जाम्पल नंबर टू पे ठीक है आपको क्या कहा गया है आपको बोला गया है एक त्रिभुज बनाना है एबीसी का तो हमने क्या कहा हमने एक त्रिभुज बना दिया ठीक है हमने क्या किया यहां पर एक त्रिभुज बना दिया एबीसी का ये हमारा त्रिभुज है ए बी और यहां पर सी है एंगल बीसीए का जो मान है एंगल बीसीए का मान कितना दिया गया है साठ डिग्री दिया गया है साथ में हमसे ये भी कहा गया है जो हमारा ए बी का स्क्वायर है यहां पर वो बराबर है बीसी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस एक्स के तो एक्स की वैल्यू पूछी गई है बहुत शानदार क्वेश्चन देखो यहां पर इसका मान कितना दिया गया है साठ दिया गया है और सवाल में कहा गया है कि ए बी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर जमा ए सी का स्क्वायर जमा एक्स एबी का स्क्वायर जो है ठीक है ये हमसे कहा गया है कि एबी का जो स्क्वायर है वो बराबर है बीसी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस एक्स के तो उस एक्स के स्थान पर क्या आएगा या एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या होगा ठीक है मुझे एक्स तो नहीं लगता यहां पर एक्स स्क्वायर ही आएगा यहां पर भी ही होगा ठीक है हाँ यहां पर भी एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए ठीक है करेक्ट कर लोगे तो हमसे एक्स स्क्वायर का मान पूछा गया है अब मुझे साफ तौर पर यह सवाल दिख रहा है कि सिर्फ मुझे एक कोण दिया गया है साइन रूल लगाने के लिए दो की आवश्यकता होती है

बराबर ये जो एंगल किन दो भुजाओं से जुड़ा है एक बीसी है और एक एसी है जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसको क्या करते हैं ऐड करते हैं तो बीसी के साथ जुड़ा है तो बोलोगे सर बीसी का स्क्वायर जमा किसके साथ और जुड़ा है एसी के साथ जुड़ा है तो एसी का स्क्वायर जमा इसके सामने वाले के स्क्वायर को घटाते हैं यानी किसको घटाओगे तो बोलोगे सर ए के स्क्वायर को घटा देंगे भाग करोगे किसको भाग करोगे बताओ तो दो इंटू जिसके साथ ये दोनों जुड़े हुए हैं या जिनको आपने ऐड किया है तो टू इंटू बी सी इंटू ए सी समझ में आ गया मेरी बात टू इंटू बी सी इंटू एसी कोई समस्या की बात सिक्सटी का मान जो होता है माइडियर तो एक बटे दो होता है कितना होता है एक बटे दो होता है अब आप यहां से दो से दो को काट देंगे ये इधर गुना हो जाएगा जब गुना हो जाएगा तो बीसी इंटू एसी बराबर हो जाएगा हमारे किसके तो बी सी स्क्वायर जमा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर के सवाल में किसको एक साइड रखा गया है तो ए बी स्क्वायर को एक साइड रखा गया है उस ए बी को हम इधर लेकर आ जाते हैं तो ये जो ए बी का स्क्वायर होगा बराबर होगा किसके बीसी स्क्वायर जमा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी ए सी के माइनस बी सी ए सी के ए बी स्क्वायर प्लस देखो ए बी स्क्वायर जो है बराबर है बी सी प्लस ए सी माइनस बीसीए सी बीसी प्लस एसी माइनस बीसीए सी समझ में आ गया तो एबी स्क्वायर बराबर है देखो हम जो लेकर आए हैं वो क्या लेकर आए हैं एबी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर ठीक है बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर माइनस बी सी एसी माइनस कितना हो जाएगा तो BC AC हो जाएगा ठीक है यहां पर तो x सही दिया गया है यहां पर जो फाइंड करने वाला है ना यहां पर x का ही मान पूछा जाना है x स्क्वायर का मान नहीं पूछा जाना है हमसे बोला गया है x का मान बताओ x का मान कितना होगा ठीक है प्लस x तो यहां पर ये देखो इसके सामने ये है AC के सामने AC है और x का जो मान है वो कितना है तो x का मान जो है वो इतना है यानी माइनस बीसी एसी माइनस बीसी एसी ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है करेक्ट आंसर है ठीक है एकदम सिंपल क्वेश्चन था ट्रायंगल में ये साठ दिया गया था और एक संबंध दिया गया था उसमें कोई एक वेरिएबल को गायब कर दिया गया था हमने क्या किया इस साठ का इस्तेमाल इस करके हमने इसमें कोसाइन रूल लगाया कि का साठ डिग्री हमने यहां पर लिखा कि देखो भैया जो कौश साठ डिग्री होता है वो बराबर होता है एक बटिटू के और वो बराबर होगा इनके वो बराबर होगा इनके यानी हाफ बराबर इतना ठीक है हाफ बराबर इतना हो गया यहां पर वैल्यू निकाली माइनस बी सी ए सी आया इसको जब हमने इसके साथ दिया गए सवाल के साथ कंपेयर किया तो पता चला एक्स के स्थान पर कितना आना था बीसी और ए आना था माइनस के साथ ठीक है समझ में आ गया एक, एग्जाम्पल नंबर टू आ जाओ एग्जाम्पल नंबर तीन के ऊपर आ जाओ एग्जाम्पल नंबर तीन के ऊपर आ जाओ कहा गया है सवाल में द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रैंगल आर इन रेशियो वन रेशियो टू रेशियो थ्री और लेंथ ऑफ द सबसे स्मॉलेस्ट साइड की लेंथ जो है वो दे दी गई है दस डिग्री तो बोला गया सबसे बड़ी साइड की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी फिर से देखो एंगल एक है कि एंगल दो है कि एंगल तीन है बोलोगे सर एंगल तो हमें सबका पता चल जाएगा आप ये देखो अगर आपकी एक साइड दी गई है अगर आपकी एक साइड दी गई है तो आप समझ लेना कि हमको साइन रूल लगाना है अगर हमको दो साइड दी जाएगी तो आप बोलोगे सर को साइन रूल लगाना है ये बात समझ लो ध्यान से ठीक है मैं एक साइड में एक पन्ने में सारी बातें लिख दे रहा हूं जो जो बातें मैंने आपको कही है ठीक है कब क्या लगाना है बड़े ध्यान से समझेंगे कि कब कौन सा रूल लगेगा ठीक है कब कौन सा रूल लगेगा जैसे मान लो अगर हमारा एग्जामिनर एक साइड गिवन है वन साइड गिवन है तो यू समझ लो कि एक साइड के बिहाफ पे हम साइन रूल ही लगाएंगे ठीक है लेकिन अगर हमारा एग्जामिनर दो साइड देता है तो हम किसको लगाएंगे को साइन रूल को ठीक है या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ठीक है कि हमारे दो एंगल दिए गए हैं दो एंगल दिए गए हैं तो हमारा क्या लगता है दो एंगल अगर हमारे गिवन है तो हमारा क्या लगेगा तो हमारा लगेगा साइन रूल ठीक है या हमारा एक एंगल दिया गया है तो हम क्या लगाएंगे कोसाइन रूल लगाएंगे दोनों रूल का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है तो दोनों रूल दोनों रूल साइड की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं ठीक है दोनों रूल साइड की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं तो साइड की वैल्यू फाइंड करने के लिए किए जाते हैं ठीक है समझ में आ गया अब जैसे यहां पर हमें कहा गया है कि आपको एक त्रिभुज बनाना है आपने एक त्रिभुज बना दिया सवाल में आपसे ये कहा गया उस त्रिभुज के कोनों का मान कितना है तो उस त्रिभुज के कोनों का अनुपात है एक दो और तीन यानी तीन दो पांच और एक छे सिक्स एक्स का मान कितना तो ये सिक्स एक्स का मान हमारा हो जाएगा एक सौ अस्सी डिग्री एक्स का मान तीस डिग्री यानी यहां पर हम कहेंगे कि एक वाला कोन यहाँ तीस है दूसरा वाला यहाँ पर कितना है तो तीस का दो गुना साठ है तीसरा वाला यहाँ पर नब्बे है मैंने कहा तीस साठ और नब्बे का कोण बन रहा है उसके बाद हमसे यहाँ पर कहा गया है कि सबसे छोटी जो साइड होगी वो दस सेंटीमीटर होगी सबसे छोटे वाले कोण के सामने सबसे छोटी साइड होती है इस बात को ध्यान रखेंगे और सबसे बड़े वाले के सामने सबसे बड़ी भूजा होती है बोला गया सबसे लॉन्गेस्ट बताना है यानी एक्स का मान बताना है कोई दिक्कत की बात नहीं है क्या पता है एक एंगल के सामने का साइड पता है दूसरे एंगल के सामने का साइड बताना है लगा दो साइन रूल क्या जा रहा है तो बोलोगे यहां पर सर दस और इसके सामने कौन है तो साइन थर्टी है टेन बटे साइन थर्टी बराबर होगा कितना के तो एक्स बटे कितना साइन 90 के 10 बटे साइन 30 बराबर है एक्स बटे साइन 90 के तो 10 बटे साइन 30 का मान एक बटे दो बराबर एक्स साइन 90 का मान वन होता है ये दो ऊपर जाएगा दो ऊपर जाएगा तो गुना करेगा 10 के साथ एक्स का मान कितना जाएगा? तो आ जाएगा तो 20 आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तीस साठ और नब्बे इफ द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड इज टेन सेंटीमीटर 30 के सामने 10 दिया गया है तो बोला गया लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी वाली साइड ठीक है तो 10 बटे sin 30 बराबर x बटे sin 90 के sin 30 का मान 1/2 होता है ठीक है और 90 का मान इतना है रिंकू ठीक है और हर्षिता दुबे सभी के आंसर गलत हैं सब 30 30 30 बता रहे हैं पता है बच्चों ने क्या किया बच्चों ने ऐसा कहा ना देखो तीस डिग्री के सामने 90 हो गए डिग्री के सामने दस तो यहां पर ये तीस का तीन गुना है तो दस का तीन गुना बता देंगे गजब बेहुदा आंसर है मतलब बताओ बेहूदाओ यहां पर इसके हिसाब से अगर मैं 60 दे दू तो इसको 15 बोल दोगे या 20 बोल दोगे कि 30 के सामने 10 है 60 के सामने 20 होगा 90 के सामने 30 होगा भैया रेशियो से नहीं लगा रहे हैं ठीक है थीके? रेशियो से नहीं लगा रहे रेशियो में साइन को इस्तेमाल कर रहे हो ये थोड़ी है यहां पर कि तीस के सामने दस है तो साठ के सामने बीस आएगा और नब्बे के सामने तीस आ जाएगा ऐसा नहीं लगा रहे हम साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं रेशियो ऑफ देयर साइन इज इक्वल नॉट रेशियो ऑफ देयर एंगल इज इक्वल ऐसा नहीं है कि एंगल तीन गुना हो गया तो साइड तीन गुना हो जाएगा नहीं भाई साहब उनके साइन के एंगल का रेशियो को बराबर करना है दस बटे साइन थर्टी बराबर बटे साइन नब्बे और वैल्यू रखकर तब नहीं तो एग्जामिनर बोलेगा नहीं बेटा अगर एंगल दो गुना होता है वो को दो गुना कर देना है इतना पढ़ाने के बाद तब आंसर तीस देते हो बताओ ऐसा गलती नहीं करना है पेपर में नहीं तो दो नंबर आते आते ढाई नंबर के चले जाओगे देखो यहां पर एग्जाम्पल नंबर फोर समझो क्या बोला गया है एक ट्रैंगल है एबीसी नाम का ठीक है तो बनाओ यहां पर एग्जाम्पल नंबर फोर आ जाइए चलिए एग्जाम्पल नंबर फोर में क्या हो गया ए हो गया बी हो गया और सी हो गया ए बी जो है वो हमारा बराबर है किसके एसी के बराबर है डी कोई पॉइंट है किसके ऊपर है बी सी के ऊपर है हमसे कहा गया है बी डी का लंबाई बताइए कितना होगा अगर आपका ए बी का लंबाई सत्रह है ए डी का लंबाई यहां से देखेंगे ए डी का लंबाई हमारा कितना है पंद्रह है ठीक है और हमसे कहा गया है जो सी डी का लंबाई है वो कितना है चार है ठीक है तो हमसे किसका लंबाई पूछा गया है फाइन द लेंथ ऑफ बी डी ये बी डी की लंबाई कितनी होगी बता दो इन बी सी अगर ए बी बराबर सी है अगर हमारा ए बी बराबर है किसके ए सी के यानी ये सत्रह है तो ये भी कितना होगा सत्रह होगा ठीक है और हमसे कहा गया फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी बी डी की लंबाई बताओ कितनी होगी ठीक है यदि ए बी बराबर सत्रह है डी बराबर पंद्रह है सी डी बराबर कितना है मेरे भाई तो सी डी बराबर चार है बताइए बी डी का मान कितना होगा बताइए हमसे बोला गया है यहां पर पी डी की लंबाई पूछी गई है बताइए ठीक है देखो अब आपको मैं बताऊं तो ये सवाल आपके मेंस में पूछा गया है सीजीएल के मेंस में ठीक है और अकेला ये सीजल के मेंस में नहीं पूछा गया है आपको ये सीजल के प्री में भी पूछा गया है आपको ये सी एच एस एल में भी पूछा गया है आपका ये जो सवाल है ठीक है ये सीपीओ में भी पूछा गया है। मतलब एस एस सी के हर एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है एस एस सी के हर एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है अगर आप एस एस सी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए ठीक है अब ये सवाल आपका एग्जामनर ऐसे देता है तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ठीक मेरी बात को समझिएगा आपको इनडायरेक्टली है ना ये जान के मैंने सवाल दिया है असल में क्या होता है कि आपको इनडायरेक्टली इस सवाल में डियर आपको लगाना होता है देखो सत्रह सत्रह चार है मान लो इसका मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ पे फिर मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ यहाँ पे कि करना क्या होता है आपका एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है असल में आपका एग्जामिनर आपसे एक साइड की वैल्यू चाहता है और उसने किया क्या है सत्रह सत्रह चार पंद्रह ऐसे करके मान दे दिए हैं आप यहां पर ठीक है आप यहां पर वैल्यू तभी पता कर पाओगे जब आपको यहां पर कोई भी एक एंगल का मान पता होगा ठीक है जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप यहां पर क्या करो जरा गौर से देखो त्रिभुज ए में डी में और सी में इस वाले ट्रायंगल में अब इस वाले ट्रायंगल में आपको जो है मान पता है कि ये सत्रह है ये पंद्रह है और ये चार है राइट एंगल ट्रायंगल मत सोच लेना ये मत सोच लेना ये नब्बे है तो ये चार होगा इस एग्जामिनर को पता था कि ये बकलोल बुद्धि लगाओगे आइसुस्केलेस ट्रायंगल मान लोगे की ये सत्रह है सत्रह है तो इसको आठ बना लोगे इसीलिए जान के उसने यहां चार दिया और ऑप्शन में जो है तुम्हें बोला ही नहीं अगर तुम इसको आठ बनाओगे तो ये भी

कॉस ऑफ एंगल सी बराबर सत्रह का स्क्वायर जमा चार का स्क्वायर सत्रह का स्क्वायर जमा चार का स्क्वायर माइनस करेंगे किसका पंद्रह का स्क्वायर माइनस करेंगे कितना पंद्रह का स्क्वायर भाग करेंगे किसके साथ तो दो इंटू सत्रह इंटू चार के साथ दो इंटू सत्रह इंटू चार के साथ सत्रह का स्क्वायर कितना होता है तो टू होता है ठीक है पंद्रह का स्क्वायर कितना होता है दो सौ पच्चीस होता है नौ से पांच चार आ गया आठ से दो छे आ गया ठीक है चौसठ आ गया और चौसठ और चार चौसठ और सोलह तो तो इंटू इंटू दस बटे सत्रह कितना आ जाएगा 10 बटे सत्रह आ गया यानी यहां पर हमने एक बात देखा कि भाई साहब कौश सी का मान कितना आया है दस बटे सत्रह अब ये कौश सी का पहले इस्तेमाल करके देखो पहले छोटे वाले ट्रैंगल का साइड का मान इस्तेमाल करके ये एंगल निकाल दिया ठीक है पहले छोटे वाले ट्रैंगल के साइड का इस्तेमाल करके एंगल निकाल दिया अब इस एंगल का इस्तेमाल करके पूरे का साइड बताएंगे अब इस एंगल का इस्तेमाल करके पूरे का साइड बताएंगे ये जो कॉस सी लगाया था ये कॉस सी किस ट्रैंगल में लगाया था ए डी और सी में लगाया था किस में लगाया था एडी और सी में अब यही कॉस सी ए बी सी में लगा दो अब यही कौश एबी सी एबीसी में लगा दो तो एबीसी में यही कॉस सी लगाओगे तो कौश सी का मान कितना आएगा तो यही कौश सी का मान यहां पर सत्रह का स्क्वायर आएगा बोलो जमा करोगे तो यहां पर पूरा बीसी ले लो मान लो पूरा आपको बीसी का लेंथ नहीं पता है तो आप बोलोगे सत्रह का स्क्वायर जमा बीसी का स्क्वायर माइनस करेंगे किसका यहां पर तो सत्रह के स्क्वायर को माइनस करेंगे किसके स्क्वायर को तो सत्रह के स्क्वायर को भाग करोगे किसके साथ भाग करोगे दो इंटू ठीक है बीसी इंटू सत्रह के साथ दो इंटू बीसी इंटू किसके साथ सत्रह के साथ समझ में आ गया सी का मान सी का मान कितना था तो दस बटे सत्रह था तो यहां दस बटे सत्रह लिख देंगे सत्रह के स्क्वायर से सत्रह का स्क्वायर खत्म ऊपर आ जाएगा बीसी का स्क्वायर नीचे आ जाएगा कितना ठीक है ये बीसी से एक बीसी खत्म ये BC से एक BC खत्म इस बात को ध्यान रखो ठीक ये क्या हो गया भाई तो पूरा बर्बाद हो गया पूरा का पूरा बर्बाद हो गया ये दोबारा से कर रहा हूं सॉल्यूशन नए पेज पे ठीक है दोबारा से कर रहा हूं ठीक है पेज खराब हो गया वो पूरा का पूरा इसका मान है ए मान है बी मान है सी मान है डी सत्रह है सत्रह है पंद्रह है और यहाँ पर यह चार दिया गया है यही है ना सत्रह सत्रह पंद्रह चार सत्रह सत्रह पंद्रह चार ए बी सी है और ये डी पूछा गया है हमें सवाल में समझना है पहले हम इन ट्रायंगल देखते चलो पहले हम इन ट्रायंगल एडीसी में किसका लगाते हैं तो ट्रायंगल एडीसी में हम कोसाइन रूल का इस्तेमाल करते हैं एडीसी में जब हम कोसाइन रूल का इस्तेमाल करेंगे तो हम वहां बोलेंगे कि भैया एडीसी में कॉस ऑफ जो सी होगा वो बराबर होगा किसके तो कॉस सी बराबर होगा सत्रह का स्क्वायर जमा चार का स्क्वायर माइनस पंद्रह का स्क्वायर डिवाइडेड बाई दो इंटू सत्रह इंटू चार ठीक है ये बराबर होगा सत्रह का स्क्वायर और इसका चौसठ चौसठ और सोलह अस्सी अस्सी बटे कितना आ जाएगा दो इंटू सत्रह इंटू चार के आठ जो है अस्सी को दस बार में काटेगा तो बोलेंगे सर दस बटे सत्रह के बराबर आ गया ठीक उसके बाद हम बोलेंगे कि भैया अब हम किस ट्रायंगल में बात करेंगे तो अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में बात करेंगे एबीसी में बड़े वाले में बात करेंगे एबीसी में बड़े वाले एबीसी में बात करेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ का जो कॉस सी होगा ना बड़े वाले का जो कॉस वाला एंगल होगा वो बराबर होगा सत्रह का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस सत्रह का स्क्वायर डिवाइडेड बाई दो इंटू सत्रह इंटू किसके तो बी के कॉस सी का मान हम देखते हैं सवाल में से कितना निकाले थे हम दस बटे सत्रह निकाले थे सत्रह का स्क्वायर इसको खत्म कर देगा बी का एक पावर बी के एक पावर को खत्म कर देगा तो बचेगा बी सी बटे दो इंटू सत्रह सत्रह से हमारा सत्रह खत्म बी का मान कितना आ जाएगा तो बी का मान हमारा बीस आ जाएगा अब मुझे बताओ पूरा बी का मान जो है वो बीस है ठीक है तो यहां पर जो बी डी का मान आएगा वो कितना बीस में से चार घटा दोगे तो कितना मान आ जाएगा सोलह आ जाएगा तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है इस सवाल का करेक्ट आंसर सोलह सेंटीमीटर है कितना है करेक्ट आंसर सोलह सेंटीमीटर है ठीक है ऐसे सवाल को कैसे हल किया जाता है तो ऐसे सवाल में पहले आप साइन ऑफ या आप यहां पर जो है एंगल सी पता कर लो कि एंगल सी या कॉस ऑफ एंगल सी कितना है कॉस ऑफ एंगल सी पता करने के बाद फिर वही कॉस ऑफ एंगल सी बड़े वाले में लगा दो पहले तीनों साइड का इस्तेमाल करके कॉस सी पता कर लो और फिर उस कॉस सी का इस्तेमाल करके दो साइडें दी गई है तो तीसरी साइड निकाल दो इस तरीके से थोड़ा सा अपर लेवल सोच सकते हो समझ में आ गया बात ठीक कोई समस्या की बात यहां पर अब उसके बाद बच जाता है आपका एग्जाम्पल नंबर फाइव और एग्जाम्पल नंबर फाइव के बाद आपके आ जाते हैं एक्सरसाइज तो यहां से हम कल बिगन करेंगे कल से शुरुआत करेंगे आज के लिए इतना ही है ठीक है आज के लिए जो है वो इतना ही है हाँ बीडी चार क्यों नहीं आया है रिंकू बहुत अच्छा बात आपने पूछा कि सर बी डी चार क्यों नहीं आया रिंकू सवाल में कहीं पर ऐसा नहीं दिया गया था देखो अगर आपके सवाल में रिंकू ऐसा दिया जाता ना आप दोनों बातों को समझिए ये आपका सत्र है ये आपका सत्र है यहां से जब हम रिंकू एल्टीट्यूड डालते हैं ना जब हम यहां से लंब डालते हैं तो ये चार होता है तो ये भी चार होता है ठीक लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा ट्रैंगल यहां बना दू जहां पर ये सत्रह है ये सत्रह है और एक ऐसी लाइन बना दू या मान लो कि एक ऐसी लाइन बना दू जहां पर ये चार है ठीक है ये सत्रह है ये सत्रह है और इसका मान पंद्रह है आप ऐसे समझ लो ना कि ये सत्रह है ये सत्रह है ये चार है और ये पंद्रह है और मैंने आपसे पूछा इस एक्स का मान बताओ क्या है क्यों क्योंकि रिंको ये एडी परपेंडिकुलर नहीं है अगर ये परपेंडिकुलर होता तो चार और चार आता ये नहीं है इस वजह से यह चार है और यह एक्स है जैसे मैंने अगर ये फोटो बनाई है तो मुझे यह फोटो इस तरीके से नहीं बनानी चाहिए थी मान लो मुझे ये फोटो पता है कैसे बनानी चाहिए थी मुझे ये फोटो ऐसे बनानी चाहिए थी कुछ इस प्रकार कि ये सत्रह है ये सत्रह है और यहाँ पर यह डी है ये चार है और इसका मान पूछा गया है बताओ ये मान कितना होगा अब सही है अगर ये 90 डिग्री रहता तो चार और चार होता ये 90 डिग्री है ही नहीं रिंकू अब ये 90 डिग्री नहीं है तो कैसे बताओगे तो 17, 15 और इसका इस्तेमाल करके सी निकालोगे वही काम यहां पर किया गया है समझ रहे मेरी बात को यहां पर ये जो है ना ये बीच वाली रेखा नहीं है आप इसको ऐसे समझ लो ये रेखा कुछ इस प्रकार दी गई है आपको ये तो आपको समझाने के लिए हमने किया था ताकि आप समझ जाए ये रेखा रिंकू ऐसे नहीं है ये रेखा यहां पर कुछ इस प्रकार है ये ऐसे टेढ़ी दी गई है और यहां से कहा गया है कि ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट यहां पर यह डी है ये चार है और ये पूछा गया है ठीक है और ये मान कितना है पंद्रह है अब समझ में आ गया ठीक है तो मुझे लगता है आज के लिए जो है वो इतना काफी है मिलेंगे बाकी कल की क्लास में और बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा सीखेंगे ठीक है चलो खुश रहो मस्त रहो लव यू ऑल ध्यान रखो बाय